In this video, we will study about excretory system in human being. This is the complete diagram of the excretory system. इस डायग्राम में हम लेबलिंग करेंगे पार्ट्स की और उस लेबलिंग के साथ साथ उनके फीचर्स और उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लेबल किया हुआ है, दैट इज दिस वन इज द राइट किडनी एंड दिस इज द लेफ्ट किडनी. सो लेट मी स्टार्ट विद द किडनी. दिस किडनी इज पेयर्ड ऑर्गन, मीन्स प्रेजेंट इन पेयर. देयर आर टू किडनीज, सो इट इज पेयर्ड ऑर्गन एंड रेडिश ब्राउन इन कलर. इफ वी टेक किडनी एंड आफ्टर डाइसेक्टिंग इट, when we can see that the color of the kidney is reddish brown and its shape is bean shaped. This bean shaped kidney is located in lower abdomen on both side of vertebral column. Means किडनी की जो लोकेशन है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उस रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होती है. और बॉडी में ये लोअर एब्डोमन और बैकवार्डली प्रेजेंट होती है. बैकवार्डली मीन्स जहां से हम ये देख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है उसके जस्ट दोनों साइड पर किडनी की लोकेशन होती है. उसके अलावा हम यहाँ डायग्राम में भी शो कर पा रहे हैं कि जो हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है जिसे हम मीडियन लाइन कहते हैं, इस मीडियन लाइन से ऊपर हमने लेफ्ट किडनी को प्लेस किया है. तो यहाँ पर रियल में हमारी बॉडी में भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है कि जो लेफ्ट किडनी प्रेजेंट स्लाइट अबव देन द राइट किडनी. मीन्स राइट किडनी के कंपेरिजन में जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है. उसके साथ ही किडनी में हम यहाँ शो कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से एक डिप्रेशन प्रेजेंट है. जो यहाँ एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन, इस डिप्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, हाइलम. और ये डिप्रेशन कनकेव होता है, कनकेविटी प्रेजेंट है और इस कनकेविटी को हमने क्या नाम दिया, हाइलम. इस हाइलम का मेन फंक्शन क्या है, यूरेटर, रीनल आर्टरी एंड वेन. ये तीनों इसी हाइलम के थ्रू अंदर एंटर करती हैं. जैसे ये जो रीनल वेन हमने यहाँ ड्रॉ किया, रीनल वेन अपना डिऑक्सीजनेटेड ब्लड यहीं से कैरी करेगी. जो रेड कलर से शो किया हुआ है रीनल आर्टरी, जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी पॉइंट के थ्रू ट्रांसफर करती है. उसके अलावा यूरेटर जो कि यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती है. ये तीनों चीजें यहाँ इसी कॉनकेविटी से किडनी के अंदर एंटर करती है. तो ये हाइलम जो है ये एक एंट्री पॉइंट है जहां से यूरेटर, रीनल आर्टरी और रीनल वेन तीनों एक साथ इसी पॉइंट से इसके अंदर एंटर करेंगे. इसके अलावा बाहर किसी भी सरफेस पर इनकी एंट्री नहीं होती है. सेकंड थिंग, यहाँ हमने किडनी के ऊपर एक बलून शेप्ड ग्लैंड बनाया है, इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड. ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और इस एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शनिंग हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेकंड चैप्टर है हमारा, उसके अंदर इन डिटेल करेंगे कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड जनरली हार्मोन रिलीज करता है. तो कौन सा हार्मोन ये रिलीज करेगा और क्या क्या इसके फंक्शंस होंगे वो सब हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. उसके अलावा यहाँ हमने एक ट्यूब बनाई है जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल वेन. एक्चुअली ये रीनल वर्ड जो है ये किडनी के लिए यूज होता है और यहाँ किडनी को सप्लाई होने वाली जो वेन है उसे हमने यहाँ का क्या कहा, रीनल वेन. रीनल वेन का मेन काम क्या होता है, कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम विच वेस्ट रिमूव्ड. मीन्स जब किडनी के अंदर ब्लड आता है तो वो किडनी का जो ब्लड लेकर आने वाली जो वेसल है उसे हम क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी. अब ये रीनल आर्टरी जब ब्लड लेकर आई तो उस ब्लड में
ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थी, उसके साथ उसमें वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है, दैट इज हम बात करते हैं यूरिया के बारे में, तो वो यूरिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है और उस यूरिया को ये फिल्ट्रेशन के लिए, इट मींस हमारी बॉडी से उसे एक्सेसिवली रिमूव करने के लिए किडनी को सप्लाई करती है। तो जब किडनी के पास वो वेस्ट आता है तो किडनी उसे फिल्टर कर देती है और जो साफ ब्लड होता है वो साफ ब्लड लेकर जाएगी रीनल वेन, और ये रीनल वेन इस ब्लड को ले जाकर हार्ट को ट्रांसफर करती है, जहां से इसका जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस है उसको ये रिमूव कर देता है। उसके बाद ये आता है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, और जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो उसमें स्पेशली यूरिया वेस्ट है जो हमें अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है। तो रीनल आर्टरी ने वेस्ट को लाने का काम किया, किडनी ने उसे फिल्टर किया, वेस्ट सारा एक्सक्रीशन के थ्रू हमने बॉडी से रिमूव किया, और जो क्लीन ब्लड था वो क्लीन ब्लड रीनल वेन वापस हार्ट की तरफ लेकर जाती है। तो ये किडनी के अंदर फंक्शन होता है। अब बात आती है कि किडनी के अंदर इस वेस्ट को रिमूव करने का काम कौन करता है, तो इसके अंदर एक स्पेशल यूनिट होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, नेफ्रोन। ये नेफ्रोन किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो क्या करता है, किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है। एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रोन्स प्रेजेंट होते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन का काम करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द किडनी। नाउ नेक्स्ट वन इज द यूरेटर। दिस यूरेटर इज ऑल्सो पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यहां हम शो कर सकते हैं दिस वन, दीज आर टू यूरेटर्स, और ये यूरेटर यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती है। यूरिन कहां से कलेक्ट हो रहा है, फ्रॉम द लेफ्ट किडनी एज वेल एज फ्रॉम द राइट किडनी। मीन्स दो यूरेटर हैं, एक लेफ्ट किडनी से आ रहा है, एक राइट किडनी से, और दोनों वहां से यूरिन को कलेक्ट करके इस चैम्बर के अंदर, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर करते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इस चैम्बर के अंदर उस ब्लड को लाकर पोर कर देता है। तो यहाँ यूरेटर पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है। और ये क्या कर रहा है, किडनी से यूरिन लेकर आ रहा है, सो इसका फंक्शन हो गया हेल्प्स इन कैरिंग यूरिन फ्रॉम किडनी एंड पोर इनटू यूरिनरी ब्लैडर और लाकर इस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खाली कर देता है। तो ये हो गया यूरेटर के फंक्शंस और यूरेटर का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। उसके अलावा हम अगर यहाँ बात करें कि ये यूरिन किस तरीके के मैकेनिज्म से आएगा, तो हमने न्यूट्रिशन पार्ट में पढ़ा था पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मीन्स जब यूरिन फ्लो करता है यूरेटर के अंदर तो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। तो ऐसा जो मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। तो ये पेरिस्टाल्सिस से यूरिन को किडनी से लाकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खाली करता है। नेक्स्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर। दिस यूरिनरी ब्लैडर इज सिंगल, हम यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक यूरिनरी पाउच हमने यहाँ बनाया है एंड इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड। इसकी जो शेप है वो जो फ्रूट होता है हमारा पियर उसके जैसी है, लेकिन उसका शेप हम अपवर्ड ही रखें, लेकिन यहाँ पर ये इन्वर्ट पोजीशन में, तो इसलिए इसकी शेप को रिजेम्बल करते हैं हम पियर के साथ। सो इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ यूरिन। यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, हाईली मस्कुलर होता है, मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। और
इसकी जो कैपेसिटी है यूरिन को स्टोर करने की वो अप्रोक्सीमेटली 300 ml to 800 ml मीन्स वन टाइम ये 300 ml से लेकर 800 ml तक यूरिन को इसके अंदर स्टोर कर सकता है. नेक्स्ट इज यूरिथ्रा. यूरिथ्रा डायग्राम में यहाँ दिख रहा है कि दिस पोर्शन इज नोन एज यूरिथ्रा. इट इज अगेन सिंगल स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ यूरिन. और इस रिमूवल ऑफ यूरिन को हम क्या नाम दे सकते हैं, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. मीन्स हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने का काम करती है. लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि अगर हम मेल इंडिविजुअल की बात करें तो मेल इंडिविजुअल की बॉडी में जो यूरिथ्रा है इट इज लॉन्गर. यूरिथ्रा इज लॉन्ग एंड इन फीमेल इट इज स्मॉल. मीन्स मेल्स में यूरिथ्रा ज्यादा बड़ी होती है बजाय कि फीमेल्स के. तो ऐसा कंपैरिजन और ऐसा डिफरेंस यहाँ क्यों है, क्योंकि मेल्स की बॉडी के अंदर यूरिथ्रा दो सिस्टम से कनेक्टेड होती है, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से और दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम से. एक्सक्रीटरी मीन्स दो फंक्शंस वो एक साथ परफॉर्म कर रही है. जब रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका एक्टिव है और वहां स्पर्म प्रोडक्शन हो चुका तो स्पर्म्स को इजेक्ट करने का काम भी क्या कौन करेगा, यूरिथ्रा करेगा. तो यहाँ जब वो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के साथ काम कर रही है तो वो स्पर्म को सिक्रेट करने का काम करेगी, और जब वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ जुड़कर काम करती है देन इट हेल्प्स इन पासिंग ऑफ द यूरिन. तो इस तरीके के ड्यूअल पर्पस ये यहाँ पर सॉल्व करती है. इसलिए यूरिथ्रा की जो लेंथ होती है वो मेल्स में ज्यादा है बजाय कि फीमेल्स के. उसके अलावा अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीशन का कोई कनेक्शन नहीं है. दोनों अपने में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग उनका पाथवे है, अलग अलग तरीके से वो गैमेट ट्रांसपोर्ट और यूरिन ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो यहाँ मेल की बॉडी के अंदर दोनों स्ट्रक्चर एक ही तरह के हैं, दोनों सिस्टम जो है वो आपस में कनेक्टेड है. इसलिए ऐसे सिस्टम को यूराइनोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं. यूराइनोजेनाइटल सिस्टम. अब ये यूराइनोजेनाइटल से क्या मिलेंगे, यूराइनो स्टैंड्स फॉर द यूरिन एंड जेनाइटल. जेनाइटल वर्ड हम जेनिटेलिया से लेते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ही पार्ट होते हैं, इसलिए इस सिस्टम को यूराइनोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नेफ्रॉन, इट्स कम्प्लीट स्ट्रक्चर विद इट्स डायग्राम.